लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। आज हम मावा की मिठाई बनाएंगे, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इस सामग्री देख लेते हैं क्या क्या लगती है। ये हमने 250 ग्राम मावा लिया है और 250 ग्राम ही शक्कर लिया है, और ये इलायची, नारियल, काजू और पिस्ते लिए हैं 8-10, और किशमिश। गैस में हमने पैन रख दिया है और गैस को ऑन कर देंगे। देखिए हम इसमें डालेंगे अपना मावा। मावा हमारा ये बाजार का है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे। ये देखिए हमने मध्यम गैस पे बिल्कुल इसको सेका है, और ये देखिए बिल्कुल पिघलना चालू भी हो गया है। अभी थोड़ी देर और इसको पिघलाएंगे, तब तक अच्छे से जो गुठलियाँ हैं इसमें वो पूरी अच्छे से मिल वो हो जाए, फूट जाए। ये देखिए ये हमारा मावा पूरा अच्छे से ही सिक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे शक्कर। शक्कर हमने 250 ग्राम लिया है, आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। हम इसी में डाल दिए हैं, तो इसे भी अच्छे से चला लेंगे। गैस को बिल्कुल मध्यम ही रखेंगे, नहीं तो मावा जल जाएगा। ये देखिए हमारी शक्कर भी पूरी अच्छे से पिघल चुकी है, और ये देखिए पतला हो गया है ये। अब हम इसे थोड़ी देर और चलाएंगे, और गैस को बिल्कुल मध्यम रखी है, गैस को बिल्कुल तेज नहीं किया है। ये देखिए हम इसको 5-7 मिनट तक चलाए हैं, ये एकदम से गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। अभी थोड़ा सा इसको और इसमें थोड़ा सा भी जमेगी नहीं, इसे थोड़ा सा और इसको चलाना है। ये देखिए गाढ़ी हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे अपना नारियल और ये किशमिश, इलायची पाउडर, और इसको बराबर से चला देंगे। ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालिए, नहीं तो ये मिठाई ऐसे भी बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसमें डाल देंगे काजू, थोड़ी देर इसको चला देंगे। देखिए अब हमारी मिठाई एकदम बन करके तैयार हो गई है। ये हमने एक प्लेट को ग्रीस कर लिया है इसमें घी लगा करके, और इसको इसी में डाल देंगे। बहुत गर्म होती है, इससे इसको थोड़ा सावधानी से डालना होता है। देखिए हमने इसको एकदम इसमें फैला दिया है, और अब हम डाल देंगे पिस्ता, ऊपर से गार्निश कर देंगे पिस्ते से। इस तरीके से हम इसमें प्रेस कर देंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से चिपक जाए। तो हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं 1-1.5 घंटे के लिए, और जब ठंडा हो जाएगा तो हम इसके पीसेस काट। ये हमारी मिठाई ठंडी हो गई थी, तो हमने इसके पीसेस काट लिए हैं। ये देखिए हमने सारे पीसेस काट करके रख दिए हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए।